हेलो गाइस, वेलकम टू स्टार्टअप। तो आज हम बात करने वाले हैं IBACIO 2012 के जीके के क्वेश्चन के बारे में। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, इन व्हिच सिटी द हेडक्वार्टर्स ऑफ WTO लोकेट। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका आंसर होगा नंबर टू, जेनेवा में। और याद रखिए, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर है जेनेवा में। ओके, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ जोडियक कॉन्स्टेलेशंस, नक्षत्र इन इंडियन एस्ट्रोलॉजी। तो जो राशि है हमारा वो कितने हैं, ये आपका आंसर होगा नंबर वन यानी 12। वो एस्टेब्लिश रामकृष्ण मिशन, तो रामकृष्ण मिशन को जो प्रतिष्ठा किया था वो किया था स्वामी विवेकानंद ने, तो आपका आंसर होगा नंबर फोर, और ये हुआ था 1897 में। इन लंदन ओलंपिक गेम्स 2012 व्हिच कंट्री ओन द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स। तो ओलंपिक 2012 में सबसे ज्यादा मेडल जीता था यूनाइटेड स्टेट्स ने, और सेकंड पे था चाइना एंड थर्ड पे था ग्रेट ब्रिटेन। ओके, हु वन द गोल्ड मेडल इन 100 मीटर रेस इन लंदन ओलंपिक 2012। तो ये आप सभी को पता है, इसका आंसर होगा उसेन बोल्ट, और टोटल टाइम लिया था 9.63 सेकेंड। इंडियाज DRDO हैज डेवलप्ड ए पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट, व्हाट इज इट्स नेम। अब देखिए, जब भी पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट रहेगा तो उसका आंसर लक्ष्य होगा, ठीक है। तो लक्ष्य टू हो या वन हो, जो भी हो, लक्ष्य इस पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट का सीरीज है, तो आपका आंसर होगा नंबर फोर। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड न्यूक्लियर सबमरीन। तो इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनसली न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो है आर्यन, तो आपका आंसर होगा नंबर थ्री यानी INS आर्यन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन द मिडिल ईस्ट इज फेसिंग ए सिविल वॉर बिटवीन द गवर्नमेंट फोर्सेस एंड रेबल्स इंसर्जेंट्स। तो ये हो रहा था साइरिया में, तो आपका आंसर होगा नंबर वन, साइरिया। इन व्हिच कंट्री देयर हैज बीन ए स्पेट ऑफ इनसाइडर किलिंग इन व्हिच नाटो सोल्जर्स हैव बीन किल्ड बाय देयर कॉमरेड्स इन लोकल पुलिस एंड आर्मी। तो ये हुआ था अफगानिस्तान में, तो आपका आंसर होगा नंबर थ्री। हाउ डू यू ऑब्जर्व एवरी ईयर द फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर। तो फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर जो है ये है वर्ल्ड हैबिटेट डे, ठीक है। और एनवायरमेंट डे जो होता है वो होता है 5 जून को, और वर्ल्ड डायबिटीज डे जो है ये होता है, सॉरी, 14 नवंबर को। एंड UNO डे यानी यूनाइटेड नेशन डे जो है ये होता है 24 अक्टूबर को। ओके, व्हिच कंट्रीज लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज नोन एज ओलेसी जिरगा। तो अफगानिस्तान के जो लोअर हाउस है उसको बोला जाता है ओलेसी जिरगा, तो आपका आंसर होगा नंबर वन। सेबी हैज डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस BSDA, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज इन ए BSDA एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट का जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है वो है 2 लाख का, तो आपका आंसर होगा नंबर फोर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज इज पोजिंग ए स्टीप कंपटीशन टू स्वीडन्स इरिक्शन टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। तो आपका आंसर होगा नंबर टू यानी हवाई। वॉट इज द प्रेजेंट परमिसेबल पावर डेंसिटी वैल्यू फॉर मोबाइल टावर्स ऑपरेटिंग एट 1800 मेगाहर्ट्ज। तो 1800 मेगाहर्ट्ज में जो टावर्स ऑपरेट करते हैं उसका पावर डेंसिटी है 9 वाट पर मीटर, ठीक है। वेयर आर सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी, इंदिरा गांधी सेंटर एटोमिक रिसर्च एंड विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर रेस्पेक्टिवली लोकेटेड। तो सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी जो है ये है हैदराबाद में, और इंदिरा गांधी सेंटर एटॉमिक रिसर्च जो है ये है कल्पक्कम में, और विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर जो है ये है थिरुवनंतपुरम में, ठीक है। तो आपका आंसर होगा नंबर थ्री, और ये कल्पक्कम और थिरुवनंतपुरम ये दोनों ही तमिलनाडु में है। व्हाट इज वाकन कॉरिडोर। तो ये वाकन कॉरिडोर जो है ये एक नैरो स्ट्रिप है जो चाइना एंड अफगानिस्तान को ज्वाइन करता है, और ये ताजिकिस्तान को पाकिस्तान से अलग भी करता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा नंबर वन, नॉर्थ ईस्टर्न एक्सट्रीमिटी ऑफ अफगानिस्तान। व्हाट डज NSAB स्टैंड फॉर इन इंडियन कॉन्टेस्ट। तो इसका आंसर होगा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ओजोन लेयर इन एटमोस्फेयर। ये आप सभी को पता है, ये अल्ट्रावायलेट रेज को रोकता है जो सन से निकलता है, तो इसका आंसर होगा नंबर थ्री, इट फिल्टर्स द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सन। व्हिच बिजनेस हाउस हैज प्रोमोटेड एस्कर ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो एस्कर ग्रुप जो है ये रुयास को, रुयास भी कहा जाता है,
और इसके हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। और ये दोनों भाई के नाम से जाना जाता है, रवि रुइया एंड शशि रुइया, इसलिए इसको रुइया भी कहा जाता है। और ये एस्टेब्लिश हुआ था 1969 में। इन विच कंट्री इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ नेस्ले कंपनी लोकेटेड? तो नेस्ले कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है, तो आपका आंसर होगा नंबर टू। विच फैमिली ओन्स द हीरो ग्रुप ऑफ कंपनीज इन इंडिया? तो ये होगा मुंजल्स फैमिली, नंबर थ्री। वेयर इज टिटिकाका द हाइस्ट लेक इन द वर्ल्ड लोकेटेड? तो टिटिकाका जो है ये साउथ अमेरिका में है और ये पेरू एंड बोलीविया बॉर्डर के बीच में है, तो इसका आंसर होगा नंबर फोर, और ये साउथ अमेरिका में है। एट व्हिच पॉइंट ऑफ अर्थ देयर इज नो ग्रेविटी? तो अर्थ के जो सेंटर है वहां पे कोई ग्रेविटी नहीं होता, तो आपका आंसर होगा नंबर फोर, एट सेंटर ऑफ द अर्थ। व्हाट इज द मेन केमिकल कंपोनेंट ऑफ विनीगर? तो विनीगर का जो मेन कंपोनेंट है वो है एसिटिक एसिड, और इसका सिंबल है CH3COOH। विच गैस इज रिलीज फ्रॉम पैडी फील्ड्स? तो पैडी फील्ड से जो गैस रिलीज होता है वो है मीथेन, और इसका सिंबल है CH4। विच ऑफ दिस इज नॉट ए माइक्रो माइक्रोन्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड हेल्थ? तो मैंगनीज, बोरोन एंड जिंक, ये तीनों ही जरूरत है प्लांट के हेल्थ के लिए, लेकिन आयोडीन नहीं है, तो आपका आंसर होगा नंबर टू, यानी आयोडीन। हु अमंग द फॉलोइंग फोर इज द ऑड मैन आउट? अब देखिए, अवनींद्रनाथ टैगोर, जे स्वामीनाथन एंड अकबर पदमसी, तो ये तीनों ही जो है ये तीनों ही आर्टिस्ट है, लेकिन यहाँ पे जो जावेद अख्तर है ये स्क्रिप्ट राइटर है, तो आपका आंसर होगा नंबर फोर, जावेद अख्तर। इन द लास्ट वन डिकेड व्हिच अमंग द फॉलोइंग सेक्टर्स हैज अट्रैक्टेड द हाइस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज इन टू इंडिया? तो इसका आंसर होगा टेली कम्युनिकेशन सेक्टर, नंबर फोर। इन विच कंट्री इज द ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट लोकेटेड? तो ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है, ये है साउथ ऑस्ट्रेलिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाई मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स? तो टेक्टोनिक प्लेट्स जो है ये अर्थ के अंदर होते हैं, ठीक है, और इसके वजह से अर्थक्वेक्स भी होते हैं, वॉल्कनिक इरप्शंस भी होते हैं, ओशियनिक ट्रेंच फॉर्मेशन भी होते हैं, लेकिन ओशियन करंट के ऊपर इसका कोई कंट्रोल नहीं है, तो आपका आंसर होगा ओशियन करंट, यानी नंबर थ्री। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस? तो ये सीधी सी बात है, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, CO2 है, वाटर वेपर है एंड CH4 यानी मीथेन भी है, तो आपका आंसर होगा नंबर वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? तो इसको कहा जाता है नेफ्रॉन, यानी नंबर टू। जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ? तो जर्मन सिल्वर जो है ये एक एलॉय है जिसके में जिसमें है कॉपर, जिंक एंड निकेल, तो आपका आंसर होगा नंबर वन, कोपाल रहता है 60% और जिंक एंड निकेल दोनों ही 20% करके रहता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर क्लाउड सीडिंग? तो क्लाउड सीडिंग के लिए जो सब्सटेंस यूज होते हैं वो होता है ड्राई आइस और सिल्वर आयोडीन, तो आपका आंसर होगा नंबर थ्री, यानी सिल्वर आयोडीन। और यहाँ पे ड्राई आइस भी यूज किया जाता है, ठीक है। ये थियोडोलाइट इज यूज फॉर मेजरिंग? तो थियोडोलाइट एक डिवाइस है जिससे मेजर किया जाता है एंगल्स ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन्स, तो आपका आंसर होगा नंबर फोर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जोवियन प्लैनेट? अब देखिए, पहले के जो चार प्लैनेट है यानी मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स, ये चारों को कहा जाता है रॉकी प्लैनेट्स, और बाकी के चार यानी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये चारों को कहा जाता है जोवियन प्लैनेट यानी कि गैसियस प्लैनेट। तो यहाँ पे जुपिटर भी है, सैटर्न भी है, नेपच्यून भी है, लेकिन वेनस जोवियन प्लैनेट नहीं है, ये रॉकी प्लैनेट है, तो आपका आंसर होगा नंबर थ्री, यानी वेनस। व्हिच इज द ओनली इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी कैपेबल ऑफ रिजेनरेटिंग इट्स लॉस्ट टिश्यूज? तो लॉस्ट टिश्यूज का रिजेनरेट सिर्फ लिवर में होता है, तो आपका आंसर होगा नंबर थ्री, यानी लिवर। व्हाट इज मीन बाय सल्फर सोअर? तो इसका आंसर होगा नंबर टू, यानी सोअर ऑफ येलो पोलन फ्रॉम कॉनिफर्स इन स्प्रिंग। कॉनिफर्स कहा जाता है पाइन ट्री को, पाइन ट्री में कोन रहता है इसलिए इसको कॉनिफर्स कहते हैं। तो यहाँ पे फीमेल कोन भी होते हैं और मेल कोन भी होते हैं, फीमेल कोन बड़ा होता है और मेल कोन छोटा होता है,
तो स्प्रिंग में जो मेल कोन है वो ट्री से निकल जाता है और यार्क के द्वारा वो फीमेल कोन में एंटर करते हैं, इसलिए इसका फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसका आंसर, इसको कहा जाता है सल्फर स्वर। ठीक है, विच मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम टूडे हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट? ये आप सभी को पता है, आप सभी का प्यार है, आप सभी की जरूरत के लिए है, एप्पल आईओएस। ओके, ऑल्टरेशन ऑफ कॉन्सियसनेस ड्यूरिंग डीप सी डाइविंग इज नोन एज? तो इसको कहा जाता है नाइट्रोजन नेक्रोसिस, और नाइट्रोजन नेक्रोसिस को मार्टिन इफेक्ट की नाम से भी जाना जाता है, और रेप्चर्स ऑफ द डीप सी इसके नाम पे भी जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑल द थ्री। ओके, सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।